हजरत बोले ये मस्जिद मेकात, जिसको मेकात ज़ुल्हुलैफा भी कहा जाता है, और इस मेकात का नाम बेर अली भी है। इसको इस मस्जिद को मस्जिद शजरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये उस दरख्त के नीचे बनाई गई है जिसके नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र क़याम फरमाया करते थे। इसको मस्जिद ज़ुल्हुलैफा भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़ुल्हुलैफा के इलाका में है। ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शजरा के रास्ते से निकलते थे और मुअर्रस के रास्ते से दाखिल होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा के इरादे से निकलते तो मस्जिद शजरा की जगह नमाज पढ़ते थे, और जब वापस तशरीफ़ लाते तो ज़ुल्हुलैफा के मकाम पर वादी के नशीब में नमाज पढ़ते और सुबह तक वहीं ठहरते और फिर सुबह को मदीना में दाखिल होते। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1533, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 1257। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस वादी का नाम वादी मुबारक भी है, क्योंकि एक फरिश्ता आने वाला आया और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस जगह से हज और उम्र दोनों का एहराम बांधिए कि ये वादी मुबारक है।